السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فهل ينظرون إلا الساعة तो क्या ये लोग बस क्यामत ही के मुंतजर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए उसकी अलामतें तो जाहिर हो चुकी हैं। जब वो खुद ही आ जाएगी तो इनके लिए नसीहत हासिल करने का मौका कहाँ बाकी रहेगा हम सब जानते हैं हमारा ईमान है कि क्यामत का आना बरहक है लिहाजा हम जो कुछ भी करते हैं वो क्यामत को मद्देनजर रख कर करते हैं कि एक दिन हिसाब किताब होगा और जब इंसान क्यामत को मद्देनजर रखता है तो उसके लिए बड़े बड़े मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं सूरत अल फरमाते हैं और हमने आसमानों और जमीन और इन दोनों के दरमियान की चीजों को पैदा नहीं किया मगर हक के साथ यानी बामकद पैदा किया है और यकीन क्यामत जरूर आने वाली है वह वा इन न सात लती बस दरगुजर कीजिए खूबसूरत तरीके ऐसी दरगुजर करना यानी आज जो भी आपको सता रहे है आपके मुनकरीन वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते बस आप सब्र के साथ अपना काम करते जाइए और इनके अंजाम का मामला अल्लाह पे छोड़ दीजिए अल्लाह ने एक दिन बनाया है जब हर एक को उसके किए का बदला मिल जाएगा तो इस आयत में दो बातें हैं बुनियादी तौर पर एक तो ये कि आसमान जमीन की तखलीक बरहक है अल्लाह ने उनको अबस और बातिल पैदा नहीं किया जैसे की कि मुनकरीन का ख्याल है हक के साथ पैदा किया जो अल्लाह ही की तरफ से है यानी अल्लाह का फैसला है और अल्लाह ही इनका खालिक है और फिर वही इबादत के लायक भी है और जिस तरह ये मखलूक नजर आती है और अल्लाह की पैदा की हुई है इसी तरह एक दिन क्यामत भी अल्लाह ताला बर्पा कर देगा जिस तरह उसने हर चीज को बनाया है इसी तरह वो इन चीजों को फना भी कर सकता है और वो दिन फना का दिन क्यामत का दिन होगा जिसके बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी और फिर इंसानों को उनका बदला दिया जाएगा जो शख्स दुनिया में अपना हक वसूल न कर सका वो क्यामत के दिन अपना हक पालेगा और अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि लोगों की दी हुई अजियतों पर सब्र करना बहुत मुश्किल काम है तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की जा रही है कि जब क्यामत का आना बरहक है तो अजियत के मुकाबले पर सब्र कर लीजिए इन लोगों से अच्छे तरीके से मामला कीजिए इनसे नाराज न हो और न ही इस पर गम और गुस्सा करे यहाँ तक कि अल्लाह ताला आपके और इनके दरमियान फैसला कर दे और यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ असफ अल जमील से मुराद है गुनाह पे गलती पर मुआजा न करना और नाराजगी का इजहार किए बगैर गुनाह करने वाले ऐसी चशम पोशी कर लेना गोया उसने कुछ किया ही न हो यानी मुराद ये है की लोगो के साथ हुसन सलूक ऐसी पेश आई है खास तौर पर वो जो आपको सता रहे है और ये वही कर सकता है जिसका दिल भी साफ हो बुक्स कीना और जिसकी जबान भी साफ हो यानी कौली और फैली अजियतें देने से मुबर्रा हो तो हकीकत यह है कि कयामत का दिन बदले का दिन है रसूल अल्लाह सलम ने फरमाया कि अल्लाह क्यामत के दिन बंदों को इकट्ठा करेगा या ये फरमाया कि लोगों को बरहना जिसम बेखतना बेजोर जमा करेगा बेजरों पर यानी कि बगैर किसी वसीले के वसाइल के साहबा कहते हमने कहा कि बहुमा का क्या मतलब है आपने फरमाया कि उनके पास कुछ भी नहीं होगा खाली हाथ होंगे फिर अल्लाह उन्हें ऐसी आवाज में पुकारेगा कि उसको दूर वाला इसी तरह सुनेगा जिस तरह करीब वाला सुनता है फिर अल्लाह ताला फरमाएगा मैं दयान हूँ दयान कहते हैं खैर और शर का बदला लेने वाला मैं बादशाह हूँ किसी जहन्नम वाले को हक नहीं कि वो जहन्नम में दाखिल हो और उसका किसी जन्नति के पास हक हो यहाँ तक के उसे उससे बदला दिलवा दू और किसी जन्नति को जन्नत में दाखिल होने का हक नहीं और ये कि उसका किसी जहन्नमी के पास हक हो यहाँ तक के मैं उसका बदला उसे दिलवा दू अगरचे वो एक ही क्यों ना हो वो कहते हैं हमने कहा यह किस तरह होगा कि हम ब्राहना जिसम बेखतना और बेजोरों पर आएंगे आपने फरमाया नेकियों और बुराइयों का मामला और तबादला होगा यानी इंसानों के पास और कुछ नहीं होगा अपने अमाल के सिवा और उसी से बदला दिया जाएगा हर साहिब हक को उसका हक मिल कर रहेगा पूरा पूरा लौटा दिया जाएगा तो इसलिए इंसान को इंसानों के साथ खास तौर पर मामला करते हुए बहुत मोहतात रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इंसान को अपने अमाल में से क्यामत के दिन देना पड़े चाहे उनकी ईबत का मामला हो चाहे उन पर इल्जाम तराशी हो या किसी तकलीफ पर जवाबन उनके साथ कोई कार्रवाई हो हर मामले में बहुत मोहतात रहने की जरूरत है तो आज हम नंबर सेवन पढ़ेंगे हराम कामों और गुनाहों से मुतलिकियामत हराम कामों और गुनाहों से मुतलिकदी से हमें पता चलता है कि क्यामत के करीब सूद जिना और शराब आम हो जाएगी इबन मसूद रजी अल्लाह अनहू से रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत से पहले सूद जिना और शराब आम हो जाएगा यानी लोग इनको बुरा समझेंगे नहीं ये वो बुराइयां हैं जिनको एक मामूली अकल रखने वाला भी बुरा समझता है लेकिन क्यामत के करीब लोग इनको सरेआम करेंगे खुलेआम करेंगे और उस पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं होगी सही बुखारी की हदीस में आता है जिना शराब रेशम और मौसीकी को हलाल समझ लिया जाएगा। नबी सलाम ने फरमाया अकीब मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो जिना रेशम शराब और बाजों को हलाल समझेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को और ये लोग पहाड़ के दामन में रिहाइश रखेंगे चरवाहे उनके मोशी चराने के लिए सुबह शाम लाएंगे और ले जायेंगे उस वक्त उनके पास कोई फकीर अपनी हाजत लेकर आएगा तो कहेंगे अब जाओ कल हमारे पास आना तो अल्लाह उन्हें रात को ही हलाक कर देगा और पहाड़ को उन पर गिरा देगा और बाकी को क़यामत के दिन तक बंदरों और खंजीरों की शक्ल में मस्त कर देगा मुराद ये है कि ऐसे लोग होंगे कि जो हर तरह की बुराइयों में वो लबिस होंगे और पहाड़ों के दामन में साहरे के बहुत खूबसूरत मनाजिर होते हैं और अब तो बहुत ट्रेंड हो गया है फार्म हाउसेज बनाने का और पिकनिक स्पॉट पे और समुन्दर के किनारे और रिजॉर्ट्स पर अपार्टमेंट्स लेना और घर बनाना और फिर अमूमन ऐसी जगहों पर जाकर लोग करते भी क्या है सैर सैरो तफरी के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं तो आपने फरमाया ऐसे लोग होंगे जो जिना रेशम शराब और बाजू यानी हर तरह की चीजें जो दीन में हराम की गई हैं उनको हलाल कर लेंगे और इनके खिदमतगार बहुत होंगे तो इसका मतलब क्या चरवाहे चराएंगे इनके लिए यानी खुद इनके पास इतना वालो दौलत होगा कि ये अपने काम करवाने के लिए खादिम रख सकेंगे लेकिन किसी फकीर और गरीब को देने के लिए इनके पास कुछ न होगा तो जिन लोगों को भी अल्लाह ने कुछ दे रखा है उन्हें इस बात से डरना चाहिए कि अगर वो अपने माल में से जरूरतमंदों का और सवाली का हक नहीं निकालते तो कहीं ऐसा न हो कि उनके माल समेत तो हर चीज उनकी तबाह बर्बाद हो जाए फिर एक और हदीस से पता चलता है कि शराब का नाम बदल कर पिया जाएगा ताकि कोई गिल्ट भी न रहे सिलसिला सही की है कि हदीस है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला तन रिवायत करती है कि मैंने रसूल अल्लाह वसल्लम को फरमाते हुए सुना पहली चीज जिसे इस्लाम से ऊंधा करके गिरा दिया जाएगा जिस तरह बर्तनों को औंधा करके गिरा दिया जाता है वो शराब है यानी इसके बारे में इस्लाम के हुक्म की, की परवाह नहीं की जाएगी यानी इट डजेंट मैटर कुछ नहीं होता पूछा गया अः अल्लाह के रसूल ये कैसे होगा हालांकि अल्लाह ने इस मामले में पूरी वजाहत फरमा दी है यानी शराब की हुरमत के जिक्र कुरान में मौजूद है रसूल अल्लाह सलम ने फरमाया वो इसका नाम किसी और नाम से तब्दील कर देंगे तो जब वो नाम ही बदल जाएगा तो जो लोग शराब को हराम समझते हैं वो दूसरे नाम से वो भी उसको खरीद लेंगे और उसको एंजॉय करेंगे फिर सरेआम बदकारी होगी यानी जिना सिलसिला सही है की हदीस है अब्दुल्ला अबने अम्र रजी अल्लाह से रिवायत है वो कहते हैं कि सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक ऐसे नहीं होगा कि लोग गधों की तरह रास्तों में जिना करें और अब आप देखिए कि जहाँ पर लोगों को हर तरह की आजादी है वहाँ आपको सरेआम ऐसे सीन बाजुकात नजर आते हैं। मैंने कहा क्या ऐसे भी होगा आपने फरमाया हाँ जरूर होगा फिर इसी तरह नाजायज औलाद की कसरत हो जाएगी मैमूना रजी अल्लाह से मरवी है वो कहती है कि मैंने वसल्लम को फरमाते हुए सुना मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक उसमें नाजायज औलाद की कसरत न होगी और जब उसमें नाजायज औलाद की कसरत होने लगे तो फिर वो वक्त करीब होगा जब अल्लाह का अजाब उन सबको घेर लेगा यानी फिर उम्मत पर अजाब आना शुरू होगा और उसमें आप देखिए कि जरूरी नहीं कि सारे आम जिना हो लेकिन ये कि चोरी छुपे और हत्या के शादीशुदा कपल्स भी इस किस्म के गलत काम करेंगे और ऑफ एंड ऑन इस तरह की खबरें आती रहती हैं अल्लाह सुबह सबको महफूज रखे आप देखिए कि जिना जो है अपनी जगह का बाहत है ही और अल्लाह सबहान ने उसको फ्वाहिश में से करार दिया है और फरमायाल्ला तक्रब उस जिना जिना के करीब भी न जाओ लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जिना के नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है उस पर कितना बड़ा जुल्म है कि दुनिया में उसका कोई रिश्ता ही नहीं ना उसकी कोई खाला है ना पप्पी है न चा है न मामू है न कोई उसका लीगल बाप है आ जाके जिसने पैदा किया एक माँ ही रह जाती है बाकी न उसका कोई बहन भाई है यानी उसका क्या स्टेटस है और जिन लोगों को पता नहीं होता वो तो ठीक है लेकिन जिन बच्चों को ये पता चल जाता है कि वो हराम की औलाद है खुद उनकी जिंदगी कितने बड़े मसले का शिकार हो जाती है तो इसलिए जिस चीज को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया उसको हराम ही समझना चाहिए फिर सही अल्जाम सगीर की रिवायत है कि गाने के आलात और गाने वालियाँ आम हो जाएंगी सहल बिन साद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी जमाने में लोगों की शक्लें बिगड़ेंगी यानी मश कर दिया जाएगा उन्हें धंसाया जाएगा उन पर संग बारी की जाएगी कजफ होगा, यानी आसमान से पत्थर बरसेंगे जब गाने बजाने के आला जाहिर हो जाएंगे और गाने वालियां भी आम होंगी तो फिर इस तरह की सजाएं भी लोगों को मिलेंगी और शराब हलाल समझ ली जाएगी अमूमन ये सारी चीजें साथ साथ आती हैं औरत गाना बजाना शराब सुन इब्न माजा की रिवायत है अबू मालिक अशरी रजी अल्लाह उन्हों से वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह फरमाया मेरी उम्मत में से कुछ लोग शराब पियेंगे वो उसका नाम बदल कर कोई और नाम रख लेंगे उनके सरों पर गाने वालियाँ साज बजा कर गाने सुनायेंगी यानी शराब की मजलिस होंगी और मजलिस के अंदर ही गाने वालियाँ होंगी अल्लाह उन्हें जमीन में धंसा देगा और उनमें से बाज को बंदर और खंजीर बना देगा तो ऐसे वक्त से डरना चाहिए कि अल्लाह सुबहान तला दुनिया में ही सजा दे और रुसवा कर दे लिहाजा खुले और छुपे इन बुराइयों से बचने की जरूरत है फिर इसी तरह औरतों के लिबास की उयानी के बारे में फरमाया सही मुस्लिम में अब हुरारा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग वालों की दो किस्में हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा यानी बाद के जमाने में आएंगी एक किस्म तो उन लोगों की है जिनके पास बैलों के दुम की तरह कोड़े है मोटे मोटे कोड़े है जिससे वो लोगों को मारते हैं यानी जालिमु कुमरान है और दूसरी किस्म उन औरतों की है जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी हैं चाहे वो टाइट है चाहे वो सी थ्रू है वो माइल होने वाली हैं नी मर्दों की तरफ माइल होगी और दूसरों को माइल करने वाली है नहीं मर्दों को या दूसरी औरतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी इस किस्म के लिबास का मकसद यही यह होगा कि दूसरे उन्हें खास पर देखे उन औरतों के सर बुख्ती ऊंटों की तरह होते हैं यानी हेयर स्टाइल भी ऐसा होता है कि सर के ऊपर एक उठी हुई चीज नजर आए जैसे ऊंट की कुहान होती है ना सर भी होता है और कुहान होती है कुहान जो है वो गर्दन पर होती तो उनके भी सर जो है उनके अलावा उनकी गर्दनों पर ऊंचे उठे हुए जूड़े वगैरह होंगे वो औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी ना ही जन्नत की खुशबू पा सकेंगी जन्नत की खुशबू इतनी इतनी मसाफत से महसूस की जा सकती है इसमें बाजू का सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाल नहीं बांधे जाते बाल बांधे जा सकते हैं लेकिन उनके अंदर पैडिंग रखना बालों के साथ बाल जोड़ना या उनके अंदर मसनू चीजें रखकर उनको बहुत ऊंचा कर लेना या खासतौर पर तोजो मबजूल करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए या एक फैशन के तौर पर ऐसा लिबास पहनना जो है ये नापसंदीदा है जहां तक अपने बालों को रोल करने का ताल्लुक है गर्मी की वजह से या बालों को गर्दन से उठाने के लिए अगर कोई क्लिप या कोई हेयर कैश लगा लिया जाता है या कुछ तो कोई हरज नहीं लेकिन इंसान जब घर से बाहर निकलता है या ऐसी जगह पर जाता है जहाँ नॉन महरम है तो वहाँ न लिबास ऐसे पहने और न ही ऐसी जेबो जीनत इख्तियार करे कि जिसकी वजह से दूसरों की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हो इमाम नबी कहते हैं कि जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाहल्म ने खबर दी वो वाकई हो चुका है यानी उनके दौर में भी ये चीजें हो गई थी हालांकि इमाम नबी जो है अब से सात सौ साल पहले की बात कर रहे हैं और हमारे आज के जमाने में तो और भी ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है और इस तरह की बहुत सारी चीजें मिल गई है की जिनसे इस किस्म के हेयर स्टाइल बनाना जो है वो आसान हो गया है फिर इसी तरह वो कहते हैं कि बस औरतें बारीक लिबास पहनती हैं जिससे इनके जिस्म के नीचे से और उनके पर्दे के मकाम और महासिन यानी फिगर्स खूबसूरती नजर आती है बस ये औरतें लिबास पहनने के बावजूद भी बरहना होती है पियालफ तो जो है वो कासियातन आरियात इस्तेमाल हुआ है कासियात पहनने वाली किस्वा कहते हैं ना कपड़े को किस्वाबा के खिलाफ जो है और आरियात आरियत उनसे है आरी आरी का मतलब होता है नंगा तो इसमें चार चीजों का इस्तेमाल है नंबर एक ये कि लिबास छोटा हो जैसे बाजू ट्राउजर पहने जाते हैं तो वो टखनों से काफी ऊंचे आधी पिंडलियों तक होते हैं यानी खातिन ऐसे ड्रेस पहनती या स्कर्ट पहनते हैं और वो स्कर्ट काफी ऊंची होती है तो छोटा लिबास इसी तरह ब्लाउज पहनते हैं तो उसमें पेट और कमर नंगी हो रही है या बाजू का ड्रेस पहनते हैं तो स्लीवलेस या हाफ तो ये सारा भी नंगा होने में आता है तो ये नंबर एक ही है कि छोटा लिबास यानी ऐसा लिबास पहनने के बावजूद भी इंसान यू नजर आये जैसे कुछ पहना ही न हो और बाज ये फिर इस तरह पहना जाता है की जिसम के उन हिस्सों के साथ चिमटा हुआ होता है जिनको जाहिर करना दुरुस्त नहीं नंबर दो ये की बारीक लिबास ये बिल्कुल शफाफ और सीतरू बारीक हो वो भी बाजुकात ऐसा ही होता है खासतौर पर अगर आप बहन के धूप में चल रहे है तो वो जिसम के अंदर के हिस्सों को पूरी तरह नुमाया कर देता है तक स्किन कलर भी नजर आने लगता है और उससे जिसम का रंग और पर्दे के आजाब भी नजर आते हैं इसमें चाहे तो इंसान खुद नजर आ रहा हो या ऐसे लिबास पहन के तस्वीरें खिंचाई जाए कि जिसमें इंसान नंगा हो रहा हो या अपने ऐसे फोटो शेयर करना कि जो पर्दे के मकाम के हों जैसे बच्चा अगर पेट में है तो उसका स्कैन है तो दूसरों के इन चीजों को भी देखना डॉक्टर देख सकता है जो दाई है वो देख सकती है लेकिन किसी और इंसान को नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये पर्दे के मकामा है तो औरत का पेट या पेट के अंदर की चीज जो है उसको पूरी फैमिली ग्रुप में शेयर कर देना या दोस्तों के साथ शेयर कर देना इन चीजों से भी बचना चाहिए फिर इसी तरह तंग लिबास तंग लिबास ऐसा लिबास जिससे जोड़ बंद सारे नजर आए यानी जिससे बाजुओं का साइज पता चले टांगों का साइज हिप्स का हर चीज अलग अलग नजर आ रही हो और नंबर चार फैशन के तौर पर फटा हुआ लिबास पहनना आपने देखा होगा नए कपड़ों को खासतौर पर जला के या काट के फाड़ के पहना जाता है और ये पिछले दिनों काफी ज्यादा फैशन आ गया था बल्कि एक दफा मुझे एक फैक्ट्री में जाने का इत्तेफाक हुआ जो जीन्स बनाती थी तो वहां मैंने उनको लिबास बना के फिर उसको घिसाते हुए देखा कि जिससे वो फट जाए वो एरिया और इसमें बाजूकात शर्म वाले हिस्से और ढांपने वाले हिस्से जो है वहां से लिबास फटा होता है और बास तो खुद कैंची से काट कर ऐसा लिबास पहनते हैं। ये सारी होची हरकतें हैं लोगों की तवज्जो मबजूल करने की और इन चीजों से बचना चाहिए यानी इंसान को खुद को एक्सपोज करने से भी बचना चाहिए और दूसरों को इन चीजों पर नजर डालने से भी बचना चाहिए यानी जिन चीजों को देखना इस्लाम ने हराम करार दिया है अगर अचानक भी नजर पड़ जाए तो अपनी नजर इंसान फेर ले उसको देखता ना चला जाए क्योंकि निगाह की खयानत से भी बचना चाहिए व इन न कताल न तल आमा और ये लिबास की तंगी जो है ये सिर्फ औरतों में ही नहीं है मर्दों में भी है बाजुकत मर्द भी ऐसा चिपका हुआ लिबास पहनते हैं कि जो जिसम को जाहिर करता है यानी छोटा लिबास बारीक लिबास तंग लिबास फटा हुआ लिबास जिससे औरतों या मर्दों का सतर नजर आए ये दुरुस्त नहीं है फिर औरतों की जेब जीनत है अब्दुल्लामर अमर अल आस से रिवायत है कहते हैं कि मैंने वसल्लम को फरमाते हुए सुना मेरी उम्मत के आखिरी जमाने में लोग कुजाबों की तरह की जीनों पर सवार होंगे वो मसाजिद के दरवाजों पर उतरेंगे कुजाबों की तरह जैसे कार होती है तो वो मसाजिद के दरवाजों पर उतरेंगे यानि चल के नहीं आएंगे मस्जिदों में बल्कि उनपे बैठ कर आएंगे उनकी औरतें लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी बड़े मस्जिद ही जा रही है लेकिन लिबास में वो सारी शरायत पूरी नहीं होती जो इबादत के लिए होनी चाहिए उनके सर दुबले पतले बुख्ती ऊंटों की कोहानों की तरह होंगे यानी हेयर स्टाइल इस तरह के होंगे कि ऊपर जुड़ा वगैरह नुमाया नजर आ रहा होगा ऐसी औरतें मलून हैं, उन पर लानत करना यानी कितनी सख्त बात की गई है और लानत का मतलब क्या होता है कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए अगर तुम्हारे बात कोई और उम्मत होती तो तुम्हारी औरतें उसकी खिदमत करती यानी उनकी गुलाम और लौड़िया बन जाती जैसा कि तुमसे पहले वाली उम्मतों की औरतों ने तुम्हारी खिदमत की यानी पिछली उम्मतों की औरतों को जब वार वगैरह वा में पकड़ा गया तो उनको लौड़ी गुलाम के तौर पर रखा गया अल्लाह सुबहान ते महफूज रखे और ये जो बेलिबास होने का फितना है या कम लिबास होने का या तंग लिबास या बारीक लिबास पहनने का फितना है कि बाजूकात दीनदार लोगों के अंदर भी पाया जाता है और इसकी परवाह नहीं करते और तंग लिबास पहनकर स्ट्रीट में निकल गए गाड़ी में बैठ गए मर्दों की मजलिस में घर में कोई अगर ऐसे गेस्ट आ गए हैं तो उनके सामने चले गए छोटी सी टी शर्ट पहन ली जिससे न पेट पूरी तरह ढका और न ही पीछे के हिप्स क्योंकि कमीज जो है उसमें अगर नीचे से शलवार या जीन्स या पजामा टाइट भी हो तो ऊपर से जब लंबी कमीज आ जाती है तो वो सब कुछ छुप जाता है लेकिन जब इंसान छोटी शर्ट पहन लेता है एक तो मर्दों से मुशाबित होती है दूसरा ये है कि ये घुटनों तक का हिस्सा जो है ये औरत का भी औरत को सिवाय मजबूरी के नहीं देखना चाहिए कोई इलाज हो या कोई ऐसी जरूरत पेश आए कि जिसमें देखने की मजबूरी हो तो और बात है वरनाहतुलवसा इंसान अपनी नजर बचाए और इस तरह इंसान सिर्फ अपने आप को गुनागार नहीं करता तंग लिबास पहनकर और छोटा लिबास पहनकर बल्कि दूसरों को भी गुनागार करता है यानी जो देखने वाले होते हैं उनकी निगाहें भी हराम चीज को देख रही होती है और फितने में मुबतला होती है और बाजुका दूसरों के लिए अट्रैक्शन का बायस बनती है फिर स्या खजाब लगाना यानी ब्लैक कलर लगाना बालों में सोना नबी दाऊद की अब्बास से रिवायत रवायत है, कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो आखिरी जमाने में एक कौम होगी जो कि स्याह खिजाब लगाया करेंगे जैसे कबूतरों के सीने होते हैं चमकता व काला रंग वो लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे ये तो आपको मालूम होगा की हिजाब लगाना या कलर लगाना जायज है सिर्फ जेट ब्लैक कलर लगाना दुरुस्त नहीं है उससे मुख्तलिफ लगाना चाहिए और फिर वालदेन की नाफरमानी बहुत आम हो जाएगी यानी हराम काम है ना क्योंकि इन्ना हर्रमा अल कोम कलम महात तो चूंकि टॉपिक चल है हराम कामों का तो इसलिए यहाँ पर इसका भी जिक्र आ गया है नबी अलैहि वसम ने फरमाया जब लौंडी अपना आका जनेगी तो ये क्यामत के निशानियों में से है यानी औलाद जो है वो माँ बाप पर अपना हुक्म चलायेगी इसका एक और मना भी किया गया है कि गुलामी खत्म हो जाएगी तो ये था टॉपिक नंबर सेवन जिसमें हराम चीजों के बारे में और गुनाहों से मुतक अत के आमद का जिक्र था असला वर्ष ये जो अभी बात हुई इसकी सतर के ढांपने की इसमें तो जो नए नए फैशन है वो सारे इसी किस्म के आते हैं कि बस उसमें है। जी शोल्डर्स अब तो स्लीवलेस और एक स्लीव है और एक स्लीव नहीं है ये नया फैशन है और उन्होंने वो काम वाले कपड़े नहीं कुछ भी कोई ऐसा काम वाला कपड़े नहीं पहने थे बस सिर्फ एक साइड पूरी शोल्डर पूरी एक स्लीव है ही नहीं अजीब अजीब लिबास आ गए और दूसरी ये वैक्सिंग कराते वक्त भी लोगों को नहीं शर्म आ रही होती कि भाई ऐसे हिस्सों के वैक्सिंग करना जायज नहीं है और बिल्कुल यंग लड़कियों की गैर शादीशुदा बच्चियों की मुझे किसी वैक्सीन करने वाली ने मसला पूछा और उन्होंने कहा कि क्या मैं कर सकती हूँ क्योंकि लोग अपनी जवान बच्चियों को ले आते हैं कि अब इसी उम्र में जितने बाल उतर जाए उतर जाए फिर आगे इनको आसानी होगी तो सतर के मकाम पर तो ना आप हाथ लगा सकते हैं और ना ही आप इस तरह की वैक्सीन कर सकते हैं या करवा सकते हैं किसी ने आपसे पूछा भी था वो लोहे का रेजर यूज कर सकते हैं क्योंकि कई लोगों ने उसका जवाब बना लिया कि जी लोहा नहीं यूज लोहा यूज कर सकते हैं कहीं भी वो मानित नहीं है बिल्कुल मन घड़त खुद साख्ता बात है कि रेजर के साथ सफाई नहीं कर सकते जिसम की बिल्कुल कर सकते हैं हदीस में लफ्स आता है हल्कुल आना जी उसा जी यहाँ पर यही समझ आती है कि कपड़ों की फैशन भी कौन लाया है औरतें खुद अगर अपने आप की शर्म और हया का ख्याल नहीं रखेंगी और बढ़ चढ़ कर आगे कहेंगी कि मैं ये पहनकर फिर टीवी पे भी दिखाऊं एंड अपनी मॉडलिंग भी करूं एंड मूवीज में भी आऊं तो ये औरत ही तो आ रही है और मर्दों के लिए कितना फितना है कितना मर्दों मुश्किल है के लिए इतना मुश्किल है और आप देखें जितनी भी एडवर्टाइजमेंट बनती है आदमी को नंगा नहीं दिखाया जाता इतना जितना औरत को हाफ नेकेड दिखाते हैं तो वो चीज बिकती है तो औरत ने अपने आप को इतना चीप कर दिया इतना इजी टू सेल कर दिया कि उसके लिए हर चीज ओके है गाड़ी बेच लो सिगरेट बेच लो कोई भी चीज कुर्सी मेज खाना उस पर औरत दिखा देते हैं बिकॉज औरत ने अपने आप को इतना सस्ता कर दिया कि इट्स ओके मैं कुछ भी पहनू या ना पहनू यू नो डजेंट मैटर उसतादा जी जैसे यही फैशन की बात है यहाँ पे एक बहुत है लोकल काफी अच्छी वेल नोन तो मुझे उनके पास आने का इतफाक हुआ तो मैंने उनसे ये बात की मैंने कहा देखिए आप लोग तो ट्रेंड सेटर्स हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस बात का ना कि ना इस इस तरह के करें तो उसताजा जी उसने कसम खा के खातून कह रही थी और उसने मुझे दिखाया कहने लगी कि हमारे सब ड्रेसेस स्लीव के साथ आते हैं लेकिन जब लड़कियां ट्राई करती हैं और फिर कहती हैं कि स्लीव उतार दें या छोटी कर दें या कुछ कर दें एनसीडेट शो मी दैट कि हम तो कोशिश हमारी तरफ से होती है लेकिन अब लेने वाले नहीं लेते जी बिल्कुल ताजा जी ये जो औरत का सतर है औरत से उस पर भी थोड़ा सा आप एलेबोरेट कर दें गो कि आपने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि औरत का औरत से क्या सतर है बिकॉज रिसेंटली किसी ने मुझसे शेयर किया था कि सो कॉल कोई स्कॉलर है जो वेबसाइट पे वो ये प्रूफ करते हैं कि औरत का सतर जो है वो सिर्फ नाफ से लेके घुटने तक ही है औरत के सामने इवन हत्ता के घर में जो महरम है उनसे भी यही सतर है तो यानी कि यू कैन गो टॉपलेस इन फ्रंट ऑफ योर महरम इस तरह की बातें यानी कि दीन के सर्कल में यानी कि इसको दीन वेबसाइट पे वो एक चीज है जो हराम के दर्जे में आती है इस एरिया को तो किसी के सामने खोलना मुकम्मल हराम है और एक हया के दर्जे में आती है कि जिसमें औरत की ब्रेस्ट है उसके कंधे हैं उसकी बाकी ब्यूटी है यानी हया का तक ये है कि इन चीजों की भी एहतियात की जाए और बल्कि उनको ढांपा जाए मुझे ख्याल आ रहा है उसा जी कि जैसे एक और अलामत और क्यामत है ना की आखिरी जमाने में मस्क और खसफ और ये सब होगा मैं सोच ये जो हम बात करे ना कि हया का एहसास ही ना होना जैसे ये कह रही हैं कि घर में महरम के आगे भी आप यानी ये फितरत भी इसके अगेंस्ट है कि आप किस तरह फिरें तो फितरत मस्त हो चुकी होगी फिर उसके बाद कोई रिकग्निशन नहीं है और जैसे आपने कहा कि यानी दीनदार घरानों में ये चीज है अब किसी चीज पे अवामन्नास लेवल पे एक तो होता ठीक है बहुत ज्यादा हर सोसाइटी में एक स्मॉल परसेंटेज होती है जो हमेशा फैशन के बहुत एक्सट्रीम एंड पे होते हैं लेकिन द वास्ट मेजोरिटी फॉलोअर्स ऑन द मीडिया और मीडिया पे जो आ जाता है वो दीनदार घरों में जिनके वालदेन माशाल्लाह मसाजिद में इन्वॉल्व होते हैं और सब है उनकी बेटियां भी शादियों में खासतौर पे और दूसरे फंक्शंस में वो जैसे पहले जिक्र हुआ ना कि शोल्डर्स खुले करके बीच में कटे हुए और ये सारी चीजें या बिल्कुल वो सी थ्रू लिबास तो ये चीजें एक्सेप्टेबल कैसे हो गई मुझे ये समझ नहीं आती बाज ये हैरत होती है कि लिविंग इन अ मुस्लिम कंट्री जैसे हम कभी तो विजिट पे जाते हैं वो बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड पे किसी मैटर का एड है जिसपे एक खातून को उन्होंने लिटाया हुआ और एक हैरान कुन हद तक जो है ना हर कॉन्टोर उनका जिसम का वाजे है जहां से लाखों गाड़ियां यानी पर डे पर वीक गुजर रही होती हैं तो मुझे ये ख्याल आता है कि आखिर हमारे मुस्लिम माशरों में तो इतने लोग दीन का इल्म रखने वाले हैं इतने माशाला मर्द हजरात मसाजिद जाने वाले हैं वो खुद अपनी बीवियों और बेटियों को क्या इससे नहीं रोक सकते या उनको भी रिकग्निशन नहीं है क्योंकि ये अहािस ऐसा तो नहीं है कि किसी ने सुन नहीं रखी बस बेहिसी हो जाते हैं ईमान की कमजोरी है कहते ना कि जब मुनकर को देखो तो अपने हाथ से बदलो अगर नहीं तो जबान से वरना दिल में बुरा समझो और ये ईमान का कमजोर तरीन हिस्सा है और इसके बाद तो फिर ईमान ही नहीं रहता जहा हया नहीं वहाँ ईमान ही नहीं कोशिश करने वाले करते भी रहते हैं लेकिन ये है कि एक तो साइलेंट मेजॉरिटी और दूसरा ये है कि जो पसंद करने वाले हैं है इस सारे फोहश को आप देखे पोर्नोग्राफी कितनी ज्यादा है अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, तो मुस्लिम ममालिक में दूसरे ममालिक नस्बत भी देखने वालों के रेट्स कहीं ज्यादा है ट है माल से मुतलिकयामत क्यामत के करीब मालो दौलत की कसरत हो जाएगी अबू हरारा रजी अल्लाह से सही बुखारी की रवायत है वह कहते हैं कि नबी सरमाया क्यामत आने से पहले मालो दौलत की इस कदर कसरत हो जाएगी और लोग इस कदर मालदार हो जाएंगे कि उस वक्त साहेब माल को इस बात की फिक्र होगी कि उसकी जक़ात कौन कबूल करेगा और अगर किसी को देना भी चाहेगा तो उसको ये जवाब मिलेगा कि मुझे इसकी हाजत नहीं।, नहीं मुझे नहीं चाहिए लेने वाले नहीं होंगे ये निशानी एक दफा तो जाहिर हो चुकी है और करीब के जमाने में दोबारा भी होगी जो ईसा सलाम का जमाना होगा साहबा कराम के जमाने में जब इस्लामी फतूहत हुई और उन्होंने फारिस और रूम की सल्तनतों को फतेह किया और उनके अम्वाल तकसीम किए तो उस वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज के अहद में यह वाक्य हुआ आदमी अपना सदका पेश करता था तो लेने वाला नहीं मिलता था और फिर दोबारा हजरत ईसा के जमाने में वाक होगा फिर है तजारत का फैल जाना सुन नसाई की रिवायत है अमर बिन तकलिब से वह कहते है कि रसूल सल्लाह ने फरमाया बेशक ये भी क्यामत की निशानियां है कि माल आम और बहुत ज्यादा हो जाएगा और तजारत फैल जाएगी इल्म आम होगा यानी इल्म हो जाएगा जहर इम और इंसान कोई सौदा करेगा तो कहेगा मैं सौदा पक्का नहीं करता हती कि मैं फला कबीले के ताजिर से मशवरा कर लू कंसल्टेंसी ले लू और एक बहुत बड़े कबीले में कातिब तलाश किया जाएगा तो नहीं मिलेगा यानी अगर चे इल्म जाहिर होगा लेकिन कोई किसी के काम आने को तैयार नहीं होगा लिख कर देने को तैयार नहीं होगा और अब ये माली मामला में लिखत पढ़त बा एक बिजनेस बन चुका है एक तरफ कहा जा रहा है कि इल्म जाहिर हो जाएगा यानी कि लिटरेसी रेट बहुत बढ़ जाएगा लेकिन इसके बावजूद लिखने वाले नहीं होंगे इससे ये भी मुराद हो सकती है कि कलम से लिखना जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि हर कोई गैजेट्स के ऊपर लिख रहा है और बाजुकात जो सॉलिड एक तहरीर कागज के ऊपर होती है और उसके ऊपर दस्तखत के साथ कोई एग्रीमेंट किया जाता है उसकी वैल्यू कुछ और होती है बनस्बत इसके कि हर चीज डिजिटल हो और आइंदा जमाने में मालूम नहीं और क्या क्या वसायल आएंगे तो कातिब नहीं होगा यानी कि लिखने वाला ही नहीं रहेगा यानी किसी को लिखना ही नहीं आएगा बहुत दफा ऐसे भी इल वाले होते हैं जो सिर्फ जबानी कलाम ही कुरान हिप्स कर लेते हैं हादिस याद कर लेते हैं जबानी बहुत कुछ जानते होते हैं लेकिन लिख नहीं सकते तो इसमें से कोई भी सूरत हो सकती है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा किया फिर है कारोबारी मवाक करीब हो जाएंगे अब ये जो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है आप यहां बैठ के चाइना से ऑर्डर कर ले कोई चीज अमेजोन से दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई चीज मंगवाना चाहे आपके कदमों में हाजिर हो जाएगी घर बैठ कर लोग तजारत कर रहे हैं अब हुरार रजी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत उस वक्त कायम होगी जब फितने जाहिर होंगे यानी ज्यादा फितने हो जाएंगे झूठ आम हो जाएगा मंडियां करीब हो जाएंगी यानी मार्केट्स करीब करीब हो जाएंगी अब इसमें आप देखिए आप जिस वक्त कोई चीज सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ कितनी वैरायटी और कितनी ऑप्शंस आपके सामने आएंगी अगर आपको यही घूम फिर कर एक शहर से दूसरे शहर या एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना पड़े तो आपका कितना वक्त जाया होता है और अब आप सिर्फ एक क्लिक के ऊपर कभी एक वेबसाइट खोलते हैं तो यूरोप यो, में सामान मिलेगा आपको और दूसरी को तो अमेरिका में मिलेगा और तीसरी को तो एशिया में मिलेगा यानी है फिजिकली दूर दूर लेकिन वो करीब हो जाएंगी सुबह अल्लाह कैसी कैसी हिकमत की बातें आप वसल्लम ने की है और इससे भी आगे मालूम नहीं और कितना करीब होगी और कारोबारी मवाके करीब हो जाएंगे यानी घर बैठ के कारोबार करना ये पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था और इस वक्त एक तरफ से सामान उठाते हैं और दूसरी तरफ सेल कर देते हैं घर ही बैठकर सारे काम हो रहे हैं। फिर है बीवी का कारोबार में शोहर की मदद करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत के करीब सलाम सिर्फ जान पहचान के लोगों को किया जाएगा तिजारत फैल जाएगी हती के औरत भी तिजारती मामला में अपने शोहर की मदद करने लगेगी और इसमें आप देखें कि अब तो बाकायदा खुवान जो है वो बिजनेस स्टडीज करती हैं और बिजनेस करती भी हैं। इसका यह मतलब नहीं कि औरत तिजारत नहीं कर सकती है औरत का तिजारत करना बुरा है अगर शरी उसूलों के मुताबिक औरत तिजारत करती है तो वो कर सकती है तो खदीजा खुद एक ताज़र खातून थी हर दौर में ऐसी खातन रही है लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है कि शौहर की मदद करने लगेगी तजारती मामला में उसमें मदद की सूरते क्या होती है बाजत डीलिंग्स के लिए औरत को आगे कर दिया जाता है यानि अट्रैक्शन पैदा करने के लिए तजारत को वस्त देने के लिए लोगों को मतवजे करने के लिए और जैसे अभी बात हो रही थी कि तस्वीरों में इसका इजहार वाजुकात यह कि अपने ही बिजनेस के लिए अपनी बीवी को या अपनी बहन को या बेटी को सेक्रेटरी रख लिया जाता है वही मीटिंग्स डील कर रही होती है वही क्लाइंट्स के साथ मामले कर रही होती है अगर तो अल्लाह की हदूद के अंदर रहकर कोई काम करता है तो उसमें तो कोई हरज नहीं लेकिन बहुत दफा इस्तेमाल होता है कि इंसान उन हदूद को पार कर जाए तो ये एक फिक्र करने की बात है फिर इसी तरह कारोबार के लिए लगाए जाने वाले बैनर्स और फ्लैग्स और ये सारी चीजें اشتہارات में औरत का इस्तेमाल औरत के जरिए कारोबार को वस्त देना बहुत सारी गैर शर्य चीजें जो है वो सामने आती हैं। और बुनियादी तौर पर तो ये है कि शर्म हया का जनाजा उठ गया है एक तरह से अगर औरत को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है एक तो है औरत का तजारत करना काम करना वो तो अलग बात है लेकिन एक है औरत को अब करना उसको इस्तेमाल करना यानी चंद पैसों पर उसके हुसन को खरीद लेना जैसे अभी बात हुई कि बहुत सस्ता कर दिया औरत ने अपने आप को तो ये सारी चीजें जो हैं ये ममनुआत में से हैं, जिनसे बचने की जरूरत है एक ख्याल आ रहा था साजा जी यह बीवी का कारोबार में शहर की मदद करना अल्लाह आलम अब आगे क्योंकि ये नबी वसल्लम की पेशेंगो है आगे जाके इसकी और मजीद क्या डेवलपमेंट हो लेकिन इन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ केसेस ऐसा भी देखा गया है कि बाजत बीवियां शौहरों के साथ काम कारोबार शुरू करती हैं एवरी वन हैज डिफरेंट कैपेसिटीज उनका अपना सोच का अंदाज डिवेलप हो जाता है वह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो उनके अंदर डेवलप होती है तो फिर बाजाओकत वो क्या करते हैं कि इन केस के अगर फैमिली में डोमेस्टिक लाइफ में दूसरे कोई चैलेंजेस या कोई ऐसे इश्यूज आते हैं तो वो बड़े आराम से फिर वो सेपरेशन होती है क्यों क्योंकि वो उससे एक अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर चुकी होती है अपने आप को स्टेबल कर लेती है कि मुझे काम करना आता है आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन यू तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो मेरे जहन में एग्जैक्टली कि इनिशियली तो कारोबार में मदद हो रही है लेकिन फिर बाद में क्या होता है बाजा बहुत कम लेकिन ऐसे केसेस भी सुनने में आए हैं कि जहां पे शेयर्स और बिजनेस की सारी चीज चीजें फिर वो आहिस्ता आस्ता बीवी के नाम होती चली जाती हैं और वो इन अ केस ऑफ के जहां कोई इनका डिस्प्यूट आया तो वो को बड़े आराम से फारिग भी कर देते हैं कम्पलीटली वो बैंक करप्ट करके तो रिलेशनशिप भी खत्म और फाइनेंशियली भी ओवर पावर कर लिया साझा जी बस एक छोटा सा पॉइंट मेरे भी जहन में ये आ रहा था कभी इस्लाम की बात करो तो लोग कहते हैं ना कि वो तो उस जमाने का था अब नहीं था तो अब ये प्रिडिक्शन देखें कहाँ से एक एक स्टेप में जो है आज के जमाने की बात वही के जरिए आपको बताया गया ये सब कुछ जी हाँ अब जैसे वो कजावे की बात हुई कि कजावे की सवारी में है वो भी देखे आजकल की एग्जाम्पल है फिर ये इंटरनेट की सारी और ये शोहर बीवी का जो बिजनेस में काम करना तो सब चीजें आज ही के जमाने की है जो उन्होंने वहां पर प्रिडिक्शन की और फिर पता नहीं कैसे लोगों को लगता है कि इस जमाने के लिए नहीं है इस्लाम लिखने वालों के बारे में बात करना चाह रही थी कि अभी भी लोग नेट पे से ना वो एग्रीमेंट फॉर्म्स निकाल लेते हैं और फिर खुद ही से ही एग्रीमेंट्स कर लेते हैं अगर किसी एक्सपर्ट को दिखा लें तो उससे बहुत फर्क पड़ता है तो अभी मेरे पिछले दिनों किसी ने रेंट के लिए एग्रीमेंट फॉर्म निकाल के उसने खुद ही से ही एग्रीमेंट करा दिया वो बंदे घर से ही नहीं निकल रहे उसमें वो लिखा ही नहीं था कि भाई कोई टूनियोर या कुछ जो लिखने वाली चीज थी वो लिखवाई ही नहीं और वो आराम से रह रहे ना वो रेंट दे रहे हैं जब से कोविड शुरू हुआ है और वो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और आप ये ये क्लॉज तो लिखे ही नहीं हुए उसमें मतलब ये कि जब आपके पास नॉलेज नहीं तो आप ऐसे काम ना करें किसी एक्सपर्ट से बंदा रजू कर फिर है हलाल और हराम की तमीज खत्म होना सही बुखारी की रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि इंसान इसकी परवाह नहीं करेगा कि माल उसने कहा से लिया हलाल तरीके से या हराम तरीके से वह सिर्फ माल हासिल करने का शौक होगा या हिरस होगी ये देखने की फुर्सत नहीं होगी या शूर नहीं होगा या जमीर नहीं होगा कि हलाल हराम की तमीज की जाए फिर रिश्वत लेना अब उमामा कहते हैं कि नबी सल्लाह ने फरमाया जिसने अपने किसी भाई की सफारिश की फिर उससे उस पर कोई हदिया दिया यानी उसने कोई काम कर दिया फिर उस पर उसको गिफ्ट दिया और अगर उसने उसे कबूल कर लिया तो वो सूद के दरवाजों में से एक बड़े दरवाजे में दाखिल हो गया यानी किसी की मदद करके किसी के काम आकर उससे फिर उसका हदिया या उसकी कीमत वसूल नहीं करनी चाहिए यानी जो फीस अभी लेला है ये है कि अगर पहले से कॉन्ट्रेक्ट में कि मैं ये आपका काम करवा दूंगा और इस पर मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे क्योंकि उसमें मेरी ये और ये मेहनत है तो वो और बात है लेकिन फ्री काम करके देने की बात करना और फिर उस पर कुछ वसूल करना दुरुस्त नहीं फिर इसी तरह सिलसिला सैया की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले सूद आम हो जाएगा अब इसमें हमारे लिए सबक क्या है कि हम अपनी आमदनी के जराये पर गौर करें कि वो रिश्वत का मालना हो सूद का मान ना हो हराम चीजें बेचकर कमाई न की जाए अपनी जॉब में अपनी अमानत पूरी की जाए क्यूंकि जो हलाल खाता है अल्लाह सुबहान ताला उसके मामला को आसान कर देते है उसकी डायरेक्शन को दुरुस्त रखते है उसकी जिंदगी में हलाल की बरकत नजर आती है और जो हराम खाता है कहीं न कहीं से उसकी खराबी निकल आती है आप ने सूद का आम होना क्यामत की निशानी बताई है और आज के दौर में कई ऐसे कारोबार शुरू हो चुके हैं जो सरासर और वाजे तौर पर सूद में आते हैं लेकिन लोग उसकी परवाही नहीं करते और इसी तरह बात कोई शख्स सूद से बचने की भी कोशिश करता है तो बहुत से मकामा पर उलझने पेश आ जाती है इसी तरह बाज चीजें खरीदने पर फिर इसी तरह ताजर पेशा अफराद जो हैं अगर बैंक के जरिए लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं लेते या इतम हासिल नहीं करते तो कोई माल न दरामद कर सकते ना न बरामद कर सकते हैं। बहुत से लोग तो सूद पर कर्जा लेकर कारोबार शुरू करते हैं। तो वाज तौर पर आता है की वाहब वाहर रमर रिबा अल्लाह ने तजारत को हलाल करार दिया और रिबा को हराम करार दिया रसूल्लाह सल्हम ने फरमाया सूद खाने वाला खिलाने वाला उसका गवाह बनने वाला उसको लिखने वाला इन सारे के सारों पर अल्लाह की लानत है और ये चारों गुनाह में बराबर है तो ये बहुत डरने की बात है और बहुत एहतियात की जरूरत है कि जिस चीज की तरफ आपने तोजो दिलाई है इसके बारे में संजीदगी से इंसान को सोचना होगा कि इन चीजों से कैसे निकले और किस तरह इंसान इन चीजों ऐसी निराम से बचे निहत्तुलवसा बचने की जरूरत है क्योंकि जिंदगी तो थोड़ी सी है दुनिया में जो कुछ भी मिला यही रह जाएगा आगे अल्लाह सुबह को क्या जवाब देंगे उसकी फिक्र होनी चाहिए हजरत उमर के बारे में आता है आपने कहा था कि हमारी मंडियों में सिर्फ वही खरीदो फरोख करे जिसे दीन की समझ हो हमारे बाजारों में सिर्फ वही तजारत करे जिसे दीन की समझ बूझो और वो सूद न खाए यानी उमर रजी अल्लाह उन्होंने सिर्फ दीन की समझ रखने वाले को तजारत करने की इजाजत दी ताकि वो हराम कमाई ऐसी बच सके इसी तरह हजरत अली रजी रजियाल्ला कहते हैं कि जो दीन की समझ बूझ हासिल करने से पहले तिजारत करेगा वो सूद की दलदल में धस जाएगा फिर धसता चला जाएगा और धसता चला जाएगा और वो गिर पड़ेगा और धस जाएगा और उधर ही अटका रहेगा यानी निकल नहीं सकेगा तो ये है कि जो भी शख्स तिजारत करे काम करे जो भी काम शुरू करे उससे पहले दीन का मिजाज समझ ले कि क्या उसके लिए हलाल है और क्या हराम है अगली निशानी है गरीबों का अमीर हो जाना ऊंची ऊंची इमारतों पर फखर करना मुसाद अहमद की रिवायत है अब हर रजीला कहते हैं कि नबी सरमायात क़्यामत में ये बात भी शामिल है कि बकरियों के चरवाहे लोगों के हुक्मरान बन जाएं बरहना या नंगे भूखे लोग बड़ी बड़ी इमारतों में एक दूसरे पर फखर करने लगे और लॉन्डी अपनी मालकन को जन्म देने लगे इबन हजर कहते है इसका मतलब ये है की हर शख्स अपने मकान को दूसरे शख्स के मकान ऐसी ज्यादा बुलंद तमीर करना चाहता है और आजकल मकान तामीर करने से ज्यादा जो टावर्स बड़े बड़े बनाने का एक कंपटीशन शुरू हो चुका है दुनिया में वो भी काबिल तवज्जो है और लोग इस पर फख्र भी करते हैं लोग घरों की ज्यादा जरूरत जो जेब जीनत इख्तियार करते हैं वो भी तफाहर के लिए करते है क्यूँकी यहाँ पर आप देखे की हदीस में है या तबाह रहू न फिल बिना ई या तबाह रहू यानी एक दूसरे पर फखर करने लगेंगे बड़ी बड़ी इमारतों की वजह से फिर इसी तरह घरों को स्टेज की तरह सजाया जाना सिलसिला सही है कि हदीस है नबी सल्लाम ने फरमाया क्यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक लोग अपने घरों को स्टेज की तरह मुजैया न करेंगे यानी घर तो रहने की जगह है और उसमें सफाई सुथराई होनी चाहिए खूबसूरती भी होनी चाहिए इंसान के अंदर अल्लाह ने इससे जमाल रखी है इन अला जमील नब्बुलजमाल अल्लाह तला खूबसूरत खूबसूरती को पसंद करते है लेकिन इस तरह की जेबो जीनत इख्तियार करना जैसे एक नुमाश की जगह हो या नुमाइश घर बन जाये रहने का घर नहीं बल्कि एक नुमाइश का घर है और सिर्फ तफाखुर और एक दूसरे का मुकाबला करने का तकास का है तो ये चीज ममनूह है इससे बचना चाहिए आपने फरमाया क्यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोग अपने घरों को स्टेज की तरह मुजैया नहीं करेंगे हम सब जानते हैं कि स्टेज प्रेजेंटेशन की जगह होता है और दिखावे की जगह होती है फिर बुखल की कसरत होगी एक तरफ इस तरह माल उड़ाया जाएगा और दूसरी तरफ जो जरूरतमंद उनको देने के लिए नहीं होगा लोगों के पास अब हुराना रजी अल्लाह कहते हैं कि क्यामत की निशानियों में से है कि बुखल और बेहयाई जाहिर हो जाएगी और इसमें आप देखिये की अयहर शह वलफ शह जो है ये बखीली से भी ज्यादा शदीद है इंसान अपने माल में बखीली करता है लेकिन एक है बुखल करना किसी को ना देना और एक ये है कि जो उसकी चीज नहीं उस पर हरीज हो जाना कि वो भी मेरी हो जाए ये शोह है फिर खाने पीने पहनने और सवारियों पर तोज्जो बहुत हो जाएगी अबो ओबा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लाह ने फरमाया अन करीब मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो तरह तरह के खाने खाएंगे रंग बिरंगे मशरूब पियेंगे तरह तरह के कपड़े पहनेंगे गुफ्तगु में बे एहतियाती करेंगे और तरह तरह की सवारियों पर सवार होंगे वो मेरी उम्मत के बदतरीन लोग होंगे यानी बदतरीन दौर की तरफ निशानदही की यानी लोगों के पास जब माल ज्यादा आ जाएगा तो फिर लोग अपने खाने पहनने रहन सहन सवारियां इन्हीं पर ही बार बार खर्च करते चले जाएंगे अपने माल को आला मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे एक और हदीस के मुताबिक इंसान इंसानों से ज्यादा जानवरों पर खर्च करेंगे अब्दुल्ला अमर से वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों पर ऐसा वक्त भी आएगा कि उनके दिल अजमियों के दिलों की मानिंद हो जाएंगे वो दुनिया को तरजीह देंगे और उनका तरीका आराब वाला होगा यानी की तरह होगा जो भी रिस्क उनके पास आएगा वो उसको जानवरों पर लगा देंगे उनको खिलाने पिलाने सजाने में अब आप देखें कि बाज जानवर जो पेट्स हैं उनके लिए जो खुराक आती है वो कितनी महंगी होती है और कितना उसमें तरद होता है फरमाया जिहाद को तकलीफ समझेंगे जकआत को जुर्माना और चट्टी तस्वर करेंगे कि ये हमारे ऊपर क्या टैक्स लगा दिया है कि हम जकवात भी पे करें हालांकि वो मालदार होंगे सही मुस्लिम की और रिवायत के मुताबिक मिस्र शाम और इराक अपने पैमाने और खजाने रोक लेंगे अबू नजरा से है वो कहते हैं उन्होंने कहा वो वक्त करीब है की अहले इराक के पास न कोई कफीज आएगा ना दिरहम। कफीज कहते हैं पैमाने को हमने पूछा कहाँ से उन्होंने कहा अजम से वो उसको रोक लेंगे यानी सेंक्शन लग जाएंगी फिर कहा अनकरीब अहले शाम के पास न कोई दीनार आएगा न मुदय पैमाना हमने पूछा कहा से उन्होंने कहा रूम की जानब से वेस्ट से फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के आखिरी दौर में एक खलीफा होगा जो लपे भर भर के माल देगा और उसकी गिनती नहीं करेगा ये उसके बाद की बात है इस वक्त आप देखें कि इन दोनों मुल्कों के हालात क्या है इराक और शाम के और वहां पर कितनी हुरबत है और किस कदर मुश्किल में है वो लोग नबी कहते हैं ये हमारे जमाने में इराक में हो चुका है और अब ये मौजूद है यानी ये निशानी जाहिर हो गई याद रखिये जितनी भी छोटी निशानियां ये कंटिन्यू भी कर सकती हैं एक कौल यह है कि इसकी वजह यह है कि आखिरी जमाने में यहाँ के लोग मुर्तद हो जाएंगे और उनके लिए जो जकत वगैरह की अदायगी वाजिब होगी वो उसका इनकार कर देंगे यानी इन इलाकों में लादीनियत फैल जाएगी एक और कौल यह भी है इसका मतलब है वो काफिर जिन पर जिजिया देना वाजिब है आखिरी जमाने में उनकी कु्वत मजबूत हो जाएगी तो जो वो जिजिया और नफाकत वगैरह दे रहे होंगे उसका इनकार कर देंगे तो बहरहाल यहाँ लफ्स मन इस्तेमाल हुआ है इसका जाहिर माने यही है कि उनकी कु्वत ज्यादा हो जाएगी और वो फिर दूसरों से अपने माल को रोक लेंगे यानी जो जिजिया वाले लोग हैं तो ये चंद अलामत है माल से मुतिक अल्लाह सुबहान तला इन तमाम फितों से महफूज रखे एक और आफ्टर थी जी, जैसे पिछली क्लास में शायद किसी एक बात पे आपने कहा था कि ये जितनी अलामत की जिक्र है नॉट ऑल ऑफ देम कैन और शुड बी परसिव्ड एज निगेटिव कि जरूरी नहीं है कि हर चीज बुरी ही हो तो मैं सोच रही हूँ कि वो एक परसेप्शन जिसके मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बीवी कारोबार में शौर की मदद करेगी उसके साथ क्या उसमें इसको एक नेगेटिव चीज के तौर पे आइडेंटिफाई किया जरूरी गया नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं कि so मैंने इसकी शुरू में ही कहा था कि औरत तजारत कर सकती है उसके लिए हराम नहीं है मना नहीं है लेकिन शराय उसूलों को सामने रखते वो क्या उसूल है सबसे पहले ये कि उसके अपने बुनियादी फराइज पूरे हो रहे हैं बहसियत एक औरत की माँ या बेटी या बहन जो भी है उसका स्टेटस उस वक्त वो उसकी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करे फिर इसी तरह अगर उसका लेन देन मर्दों के साथ है तो उन हदूद को कितना फॉलो करी हिजाब की पाबंदियों के बारे में कितना लिहाज है फिर उसके बाद यह है कि उसके जो जरिये आमदनी या तरीका है जो भी तजारत से मुतिक रूलिंग से है उनको फॉलो करने वाली हूँ लेकिन यह है कि अगर यदि तजारत करने से औरत की इंडिपेंडेंस उसके जिंदगी को दबाव बर्बाद करने वाली है तो ये बहरहाल फिर एक नारवा चीज हो जाएगी जी वो तो हो जाएगी लेकिन मैं ये सोचूंगी यानी दिस कैन बी टेक रियालिटी अलामत है ना हाँ। इनको पढ़कर मोहतात होने की जरूरत है ये फितने की एक शक्ल है सही इसीलिए आप देखें कि क्या के करीब बारिश के कतरों की तरह फितने उतरेंगे फितरों की कसरत हो जाएगी अब ये क्यों हमें बताया गया मुझे अगर कहा जा बाहर बारिश हो रही है तो कैसे जाओ अम्ब्रेला ले लो तो अगर फितनों की बारिश हो रही है और हमें उनके बारे में आगाह भी कर दिया गया कि ये भी फितना ये भी फितना ये भी। तो तुम बच के चलो तुम इसमें मुल्व ना होना कि अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठो उस तो जो घरों को स्टेज की तरह मुजयन कर दिया जाता है और ये तो बहुत ज्यादा मतलब के हर जगह ही आप देखे कुछ ऐसे हिस्से कॉर्नर होते हैं जहाँ कभी इस्तेमाल ही नहीं किए होते घरों में और बस वो डेकोरेशन या वो ऐसी अलमारियां जिनमें क्रिस्टल के सालों साल से बर्तन पड़े हुए हैं वो, वो महंगे तरीन जिनमें ना कभी खाया गया ना पिया गया और वो सिर्फ सजाने के लिए होते हैं जाहिर करते हैं ना और फखर हाँ। ना करें उस पर फख्र ना करें अल्लाह सुबहान तै हमें इन फितों से बचा के रखे और सही दीन पर अमल करने की तौफीक दे और आखरत को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी जिंदगी गुजारे व आखरत रबी सुबहदा अरदा अस्त फिर व अतुबाकामक व वबरक